गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है सैटरडे और शिवरात्रि भी है, तो मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए रेडी हो गई थी। तो आज मुझे अपने मौसी के यहाँ पे जाना था, 47 सेक्टर। तो मैं कंपनी की बस से ही वहाँ पे जा रही थी, तो चलिए मेरे साथ आज। तो आज मैं अपनी मौसी के घर में आई हूँ और ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, इसका नाम महक है। ये अभी +1 में पढ़ती है और आज शिवरात्रि का फास्ट है, तो इसने भी शिवरात्रि का फास्ट रखा हुआ। ध्यान से देखो इसका टिक्का, मतलब इस कौन में ये जाने ही वाली है, जिस तरह से इसने मतलब आज लुक पूरा बना के रखा हुआ। छोटा वाला भाई है जो अभी फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है कंबल के अंदर मुंह छुपा के। भैया मुंह दिखाना अपना, कैसे दिखते हो आप? मूछें वगैरह रख ली हैं, बट छोटा ही है, ये आर्मी में है। बट भैया आंखें भी खोल के दिखा दो, कैसा रंग है आपका? रात्रि में मौसी ने खाने में ये पनीर की भुर्जी बनाई है, जिसमें ऊपर से आप मटर और शिमला मिर्च डालना भूल गए थे, तो वो डालेंगे। और ये बन रहे हैं यहाँ पे भल्ले। मौसी आप क्या बना रहे हो बताना। अच्छा, किस चीज़ की चटनी बना रहे हो? अच्छा, भल्ले के साथ खाने के लिए। और ये यहाँ पे भल्ले जो हैं हमारे तेल में डीप फ्राई हो रहे हैं, और कुछ बना के ऑलरेडी रख भी दिए हैं। और ये चटनी बन रही है धनिया वाली चटनी, और वो भल्ले का बैटर है। तो हम अच्छे से खाएंगे, अच्छे से अपनी शिवरात्रि मनाएंगे। तो चलो थोड़ी सी पूजा मैं भी कर लेती हूँ। यहाँ पे महक जो है पढ़ाई कर रही है, इसके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो ये बेचारी यहाँ पे पढ़ रही है और हम मज़े से मूवी देख रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो खाना बन चुका था और मैंने अपनी प्लेट में पनीर भुर्जी, पूरी और साथ में जो चटनी बनाई थी मौसी ने वो भी डाल दी, और उसके साथ मैंने अपना जो मौसी ने बड़े बनाए हुए थे उनको खाया। बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसा खाना खाया, मतलब घर जैसा खाना काफ़ी टाइम बाद मैंने खाया। तो और जब इतना सारा ऑयली खाना आज खा ही लिया है, तो एक वॉक तो बनती है। तो हम सारे मतलब रात में निकल गए वॉक के लिए, 3-4 किलोमीटर तक तो हम चले। और फिर रास्ते में हमें एक और फैमिली मिली जो भी शायद वॉक पे निकली हुई थी, और ये आगे सानू चला हुआ है जो अपनी साइकिल लेके आया है। और फिर हम वापस अपने ठिकाने पे आ गए। और इस मैडम को मैं तब से बुला रही थी, ये सोनी मिली थी, पता नहीं कहाँ मगन थी। पंचु मैडम आज आप सो गए या भक्ति में लीन है आपको? नहीं। क्यों, क्या करोगे? मेडिटेशन करोगे? मेडिटेशन की स्पेलिंग सुना ना मैडम। ओ माय गॉड। सर मुंह से जवाब दीजिए, नहीं सोना है? मतलब मेरा भी जगराता है आज। ये दोनों सोएंगे नहीं और मेरे को सोने भी नहीं देंगे। ब्लॉग यही होता है, ब्लॉग इसी को बोलते हैं भैया। डालेगा, दोनों ने मुझे सोने तो देना नहीं है। और ये यहाँ पे मुझे सिखा रही थी कि दीदी सारी रात हमें शिवजी भगवान का ध्यान करना है, जाप करना है, मेडिटेशन करनी है। और मेरे को तो यार हंसी आ रही थी, मतलब बहुत कोशिश की बट मेरी हंसी निकल गई। बोल दी भी दीदी मेरी तपस्या भंग कर रहे हो आप, उठ जाओ यहाँ से। तो मैं भी इसको बोलती थी चल यार उठ जा सो जाते हैं, बट नहीं, आज तो इसने मतलब दृढ़ वो लिया हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, संकल्प लिया हुआ था कि इसको तो आज करना ही है। फिर ये मेरे ऊपर गंगा जल छिड़काव करने लग पड़ी कि मेरी शुद्धिकरण करनी है इसको। और चलो मैंने भी भगवान से माफ़ी मांगी, तू कर भाई अपना। ओके भाई, इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।